तो सर ये अभी अपने पास में बच्चा आया ना, हाँ, ये सप्तांश का बच्चा है, सप्तांश, और मेरे पास में एक राजकेशरी करके घोड़ी है, जो कि अभी भी है क्या सर? हाँ, वनराज की बच्ची है। ओके, उसका बच्चा है? नहीं, इसका बच्चा है, करीबन 6 महीने का हुआ ये। 6 महीने का, जब मैं आया था जब 1 महीने का था, 1 महीने का था, बहुत छोटा था। पर उस टाइम के भगने में और अभी के भगने में कोई फर्क नहीं आया मेरे को लगता है ना। उस टाइम भी भग रहा था और आज भी भगने में एक्सपर्ट है, यानी ज्यादा भगाना नहीं पड़ता। नहीं, ये थोड़ा मस्ती गोर है, और वैसे दो साल आप देख लो, मेरे पास में ही खड़ा है आराम से, है ना। खोलते हैं तो फिर वो अपने एटीट्यूड में चलता है थोड़ा सा। ओए बेबी, तो सर जब से, और इसके कलर में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, कलर थोड़ा डार्क हुआ है। डार्क हुआ है ना, पहले से थोड़ा डार्क हुआ है। डार्क हुआ है, बाकी सप्तांश का बच्चा है ना? सप्तांश का बच्चा है, कुमार भाई वाले का है ना? हाँ, कुमार भाई वाले। बाकी दो पैर सफेद है सर, है ना? हाँ, पीछे के दो पैर सफेद है और आगे तिलक और नीचे थोड़ा सा ये आ गया। ओके भाई, गर्दन का शेप भी इसका भी सही है ना? हाँ, अच्छा है। तो सर सर्दी के हिसाब से भी क्या डाइट चल रही है, यानी कि कुछ चेंज करा है कि डाइट में? नहीं, डाइट तो वही रेगुलर है, अभी सर्दी है तो थोड़ा गुड़ वगैरह ज्यादा देते हैं बच्चों को। अच्छा, तो उनको भी ज्यादा देते हैं ताकि सर्दी में थोड़ा उनको रेजिस्टेंस पावर मिले। अच्छा अच्छा, बाकी तो सेम डाइट है, कोई चेंज उसमें खास है नहीं। कोई चेंज नहीं, यानी कि नहीं। तो सर जैसे कि घोड़े वगैरह को, सबों को लंजिंग वगैरह सुबह डेली देते हैं या शाम को? मस्ती नहीं, डरा रहा है। लंजिंग जिन घोड़ों को लेने, जैसे ये ना छोटा है अभी, तो इसको लंजिंग नहीं देते, पर इसको पैडक में खुला छोड़ देते हैं तो अपने आप भाग लेता होगा। ये अपने हिसाब से आधे पौने घंटे तक की एक्सरसाइज कर देता है, फिर वापस इसको पकड़ के अंदर रख देते हैं। तो अभी इसके लगाम वगैरह कुछ नहीं लगाई है अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो 5-6 महीने का है, क्या लगा। वैसे सर लगाम लगाने की क्या उम्र रहती है, कि अगर हम लगाना चाहें? मैं तो 17-18 महीने का जब जानवर होता है उसके बाद लगाता हूँ। 17-18 महीने का होने के बाद? हाँ, और कई केसेस में ऐसा, वो भी जब लंजिंग देना होता है तब लगाते हैं अपन। बाकी कई केसेस में ऐसा होता है कि जब बड़ा होता है जानवर तभी लगाम, दो दांत करने के आसपास हो जाओ, 22-24-25 महीने का, तब लगाते हैं। वैसे तो आपके यहाँ तो पैडी की ऐसे हैं, लगाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को भी, है ना? हाँ, नहीं, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। धूप में भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है, पैडी किस तरीके से बनाए गए है ना। तो सर अभी कितना, 6-7 महीने का हो गया है ना? हाँ, ये 6 महीने का है। 6 महीने का हो गया। तो बाकी सर ये भी सेल करने का इरादा है क्या? मैंने कहा ना सेल डिपेंड करता है कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे बात हो रही है उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, कीमत आएगी तो पक्का देंगे। बिल्कुल, मैंने आजकल पूछना बहुत जरूरी है। लोग बाग जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना तो फोन ही हैंग हो जाता है। अच्छा, वो बोलते सर आप रेट ही नहीं पूछते। बोले बोले हमको अगर लेना हो तो नए लोग हैं हम, तो हमको कैसे पता चलेगा? किस जगह पे नंबर दे दो। वो तो नंबर तो देते ही ना सर टाइटल में, भैया जिसको कॉल करना है डायरेक्ट पूछ ले। पर आदमी ये सोचते, बोले सर आप पूछोगे तो थोड़ा कम रेट बताएंगे, तो वो आदमी का क्या दिमाग में रहता है। तो मैंने भैया जो बात करनी डायरेक्ट ओनर से करो, मैंने वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि दलालों के चक्कर में फंसने से बढ़िया है डायरेक्ट ओनर से बात करें। और आजकल सोशल मीडिया है, आप आराम से अपना फेसबुक पेज भी है बाजोटिया स्टड फार्म के नाम से, और उस पे भी आप, इंस्टाग्राम पे भी बाजोटिया स्टड फार्म है, तो आप उसमें भी देख करके कर सकते हैं मैसेज वगैरह, है ना। हाँ, तो सर अभी अपना रेस्टोरेंट वगैरह चालू है क्या? हाँ, रिजॉर्ट अपना चालू है। चालू है ना, तो अभी तो लोग, मेरे को लगता है सर्दी के हिसाब से थोड़ा सा, और छुट्टियां भी चल रही है, नहीं आता रहता अभी। दिवाली का भी अच्छा सीजन रहा वैसे भी। अभी सर बीच में भी तो शायद मैंने देखा था फोटो डाली थी आपने 17-18 बुलेट की सब कुछ। हाँ, वो यहाँ पे बाइकर ग्रुप वगैरह आते रहते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग के लिए सफारीज भी आती रहती हैं। हाँ, तो आदमी का क्या मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि फार्म अच्छा बना हुआ है ना, इसलिए करते रहते। बिल्कुल, ओके सर, ठीक है।